हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देसी मुंडा पर। आज मैं अपने गांव के दूसरे साइड की लोकेशन आपको दिखाऊंगा, तो कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी आपको। ये देखिए, मैं इधर मॉर्निंग वॉक पर आया था, तो आपको इधर की लोकेशन दिखाते हैं। ये गेहूं की खेती की गई है, यहाँ पंजाब में गेहूँ की खेती बहुत की जाती है, और गांव में तो अक्सर ऐसी चीज़ें बहुत देखने को मिलेंगी आपको। बहुत चीज़ें उगाई जाती हैं, हर चीज़ की फसल उगाई जाती है यहाँ पंजाब में। देखिए, आज सर्दी बहुत है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये दिखाता हूँ आपको, पाइन एप्पल की ट्रीज हैं ये। ये देखिए, यहाँ कुछ उगाया भी गया है, ये पाइन एप्पल की ट्रीज हैं। आपको आगे चल के दिखाता हूँ मैं, क्लियरली दिखाई देगा। ये देखिए दोस्तों, कुछ उगाया भी गया है। गांव तो आपको पता ही है, हरे भरे होते हैं। ये पाइन एप्पल के ट्रीज हैं, अंदर नहीं जा सकता मैं, तारे लगी हुई हैं। ये देखिए, आसपास कांटे वाली तारे लगी हुई हैं, ताकि कोई जानवर इंटर ना कर सके, पशु वगैरह। लेकिन ये बहुत गलत है, इसकी जगह अगर रस्सी को यूज़ किया जाए वो ठीक होता है। इन चीज़ों से जो पशु है घायल हो जाते हैं, बहुत सारे जख्मी हो जाते हैं, तो ये बहुत गलत चीज़ है। ये जो आसपास तार लगाई गई है कांटे वाली, इसकी जगह अगर रस्सी यूज़ की जाए तो ज़्यादा बेटर होता है। ये देखिए, बाड़ आसपास लगाई गई है, गेहूं की खेती की गई अंदर। ये देखिए, यहाँ दूर आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इतना बाग है यहाँ। आज बहुत ज़्यादा सर्दी है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इतना ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा है। फिर भी मैं जो कुछ दिखेगा आपको दिखा रहा हूँ। गांव में अक्सर ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। गांव में हर तरह की चीज़ उगाई जाती है, बहुत खेत होते हैं ना इधर पंजाब में, हर चीज़ की खेती की जाती है। कुछ आगे चल के दिखाऊंगा आपको चीज़ में, लोकेशन आगे की दिखा रहा हूँ। थोड़ी दूर चल के कुछ और लोकेशन दिखाऊंगा आपको, उसके बाद मैं छत से अपने विलेज की जो लोकेशन दिखाऊंगा आपको कुछ टाइम बाद। अभी तो यहाँ आया हूँ मैं। ये देखिए दोस्तों, गेहूँ है ये, हर तरफ ही गेहूँ की जो फसल उगाई गई है। देखिए, ये खाला है, खाला बोलते हैं, इसे पानी दिया जाता है खेतों को इससे। देखिए आगे चलते हैं, आगे की ओर दिखाता हूँ लोकेशन आपको। इतना क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि सर्दी बहुत है ना आज, तो मैंने सोचा आपके लिए वीडियो बना लूँ। ये देखिए दोस्तों, ये खूह है, में पानी नहीं है अभी डिग्गी में, यहाँ से पानी दिया जाता है खेतों को। अगर नहर में पानी ना हो तो ट्यूबवेल यूज किया जाता है। आगे चलते हैं, वो देखिए, थोड़ा सा दूर आपको सरसों दिखाई दे रही होगी, गेहूं, उसके बाद दूर जाके देखिए सरसों है, वो उधर नहीं जा सकते हम, दिखा रहे हैं आपको। आगे चलते हैं, ये देखिए दोस्तों, ये लोगों ने जो प्लाट लिए हुए हैं वहां ही सब्जी उगा रखी है,
सुबह आते हैं, इन्हें पानी वगैरह देकर चले जाते हैं, प्लाट ले छोड़ रखे हैं प्लाट लेकर। अभी कुछ घर वगैरह नहीं बनाए हैं उन्होंने, यहाँ ओनली जगह ले रखी है और कुछ उगा दिया है इसमें। देखिए सब्जी वगैरह लगा रखी है ये। गांव में तो अक्सर ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, लेकिन शहर में भी होता है ऐसा, लेकिन गांव में ज़्यादा होता है। कुछ टाइम बाद मैं अपने गांव की लोकेशन दिखाऊंगा, छत से चढ़कर वीडियो बनाऊंगा। तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना आपको कैसी लगी हमारी वीडियो। तो मिलते हैं कुछ टाइम बाद। तो गाइस छत पे आ चुका हूँ मैं, आपको अपने विलेज की लोकेशन दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सर्दी बहुत है इसलिए ज़्यादा दूर तक दिखाई नहीं देगा, जो भी क्लियरली दिख रहा है दिखाने की कोशिश करूँ मैं आपको। हमारा विलेज आलमगढ़ अबोर के बहुत करीब है। देखिए गाँव में ऐसे घर होते हैं, देखिए कितना अच्छा लोकेशन आ रहा है यहाँ पर। मैं छत पे खड़ा हूँ और यहाँ से वीडियो शूट करने की कोशिश कर रहा हूँ, पता नहीं कैसा होगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, सेकंड वीडियो ये मेरी। ओके गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।